Hello dear friends, I am Sahil Roy and welcome back to EU Commerce Scholar. आज हम बात करेंगे what is research. Research को हिंदी में शोध या अनुसंधान कहा जाता है. अनुसंधान का अर्थ क्या होता है और साथ ही साथ meaning and definition of research हम समझेंगे. ठीक है, मतलब अनुसंधान का मतलब क्या है और साथ ही साथ उसकी जो भी परिभाषाएं दी गई हैं, जो भी definitions दिए गए हैं, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उनको कवर करने वाले हैं. ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो रिसर्च पढ़ रहे हैं या फ्यूचर में पीएचडी करेंगे, रिसर्च परस्यू करेंगे. तो अगर आप पीएचडी भी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अनिवार्य है, क्योंकि इससे आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कि रिसर्च कहते किसको है और उसकी परिभाषा क्या है. तो आइए शुरुआत करते हैं. सबसे पहला जो पॉइंट कहा गया है मीनिंग ऑफ रिसर्च में, मतलब रिसर्च के अर्थ में, पहली चीज कि रिसर्च इन सिंपल टर्म्स रेफर्स टू सर्च फॉर नॉलेज. मतलब साधारण भाषा में रिसर्च को हम क्या कहते हैं, अनुसंधान कहते हैं. ठीक है, सिंपल टर्म्स का मतलब साधारण भाषा में refers to search for knowledge. Search for knowledge का मतलब होता है ज्ञान की खोज करना. ठीक है, तो साधारण भाषा में ज्ञान की खोज करना ही रिसर्च कहलाता है या अनुसंधान कहलाता है. ठीक है, रिसर्च इन सिंपल टर्म्स रेफर्स टू सर्च फॉर नॉलेज. साधारण भाषा में ज्ञान की खोज करना ही अनुसंधान कहलाता है. दूसरा पॉइंट है, इट इज अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक और इशू. ठीक है, इट इज अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक सर्च. ये एक साइंटिफिक और सिस्टमैटिक सर्च है. साइंटिफिक का मतलब होता है वैज्ञानिक और सिस्टमैटिक का मतलब होता है व्यवस्थित. ठीक है, फॉर इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक और इशू, किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक या इशू में जो रिसर्च है वो आपको जानकारी प्रोवाइड कराता है, मतलब जानकारी मुहैया कराता है वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से. ठीक है, तो रिसर्च के लिए कहा गया कि इट इज अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक और इशू, किसी भी एक टॉपिक या इशू पे व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से खोज करना रिसर्च कहलाता है. तीसरा कह रहे हैं कि इट इज ऑल्सो नोन एज द आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, आर्ट का मतलब होता है कला, और आर्ट एक ऐसी चीज है जो बार बार प्रैक्टिस करने से आती है. आपने भी पढ़ा होगा द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड आर्ट्स. साइंस थियोरेटिकल चीज होती है और आर्ट्स प्रैक्टिकल चीज होती है. आर्ट्स प्रैक्टिस कर करके इंसान सीखता है. ठीक है, और आर्ट्स में बेसिकली हमको परफॉर्म करना होता है. तो जो रिसर्च है वहां पे भी हमको प्रैक्टिकल अप्रोच है, हमें प्रैक्टिकली पूरा रिसर्च कंडक्ट करना पड़ता है. तो यहाँ कहा जा रहा है कि इट इज ऑल्सो नोन एज द आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन. अब साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है, साइंटिफिक का मतलब होता है वैज्ञानिक और इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच. ठीक है, तो अनुसंधान वैज्ञानिक जांच की एक कला है. मतलब अनुसंधान की मदद से आप वैज्ञानिक जांच कर सकते हैं और करते भी हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज द आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन. अगला पॉइंट है हमारा, Several social scientists have defined research in different ways. अलग अलग social scientists ने research को अलग अलग तरीके से बताया है, समझाया है. तो आइए समझते हैं सबकी definitions. तो ये meaning हो गया, अब definitions की बात करते हैं. ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ज्ञान हो गया होगा कि research, शोध किसे कहते हैं, अनुसंधान किसे कहते हैं. अब definition से और ज्यादा इसको समझते हैं. सबसे पहले लिखा है इन द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस, डी स्लेसिंगर and M. Stephenson in the year 1930 defined research as the manipulation of things, concepts or symbols for the purpose of generalizing to extend, correct or verify knowledge, whether that knowledge aids in the construction of theory or in the practice of an art. ठीक है, इन द ईयर 1930 का साल था और दो बड़े बड़े रिसर्चर्स ने रिसर्च की एक परिभाषा बताई थी, और ये एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस के अंतर्गत बताई थी. दोनों महान थे, जो भी थे उनका जो नाम है वो है डी स्लेसिंगर और एम स्टेफेंसन. ठीक है, इन्होंने बताया कि द मैनिपुलेशन ऑफ थिंग्स, मैनिपुलेशन का मतलब होता है हेर फेर करना या तिगड़म. ठीक है,
हम कोई चीज फेरबदल करते हैं, हेर फेर करते हैं, द मैनिपुलेशन ऑफ थिंग्स, द मैनिपुलेशन ऑफ थिंग्स, द मैनिपुलेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स या द मैनिपुलेशन ऑफ सिंबल्स, मैनिपुलेशन किया जाता है कॉन्सेप्ट्स में, सिंबल्स में, चीजों में, फॉर द पर्पस ऑफ जनरलाइजिंग टू एक्सटेंड करेक्ट और वेरीफाई नॉलेज, ताकि हम किसी भी एग्जिस्टिंग नॉलेज को, जो भी हमारे पास जानकारी है ना, उसको हम क्या कर सकें, जनरलाइज कर सकें। जनरलाइज का मतलब होता है सामान्य, सामान्यकरण हम कहते हैं हिंदी में, ठीक है, या सामान्य नियम का रूप देना, जो जनरलाइज हो जाती है ना चीजें, वो हम क्या करते हैं, द मैनिपुलेशन ऑफ थिंग्स कॉन्सेप्ट्स और सिंबल्स फॉर द पर्पस ऑफ जनरलाइजिंग टू एक्सटेंड करेक्ट और वेरीफाई नॉलेज, वेदर दैट नॉलेज एड्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्योरी और इन द प्रैक्टिस ऑफ एन आर्ट। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं कि हम इसलिए करते हैं कि जो भी हमें नॉलेज है या जो नई नॉलेज हमें मिल रही है, उससे हम कोई एक नई थ्योरी बनाते हैं या हम किसी आर्ट को प्रैक्टिस करते हैं। रिसर्च में हमने, रिसर्च इज एन आर्ट, हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा, तो रिसर्च को हम प्रैक्टिस करते हैं कैसे, मैनिपुलेट करके, चीजों को मैनिपुलेट करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को मैनिपुलेट करते हैं, सिंबल्स को मैनिपुलेट करते हैं, ताकि हम कुछ जनरलाइज कर सकें, कुछ सामान्य, सामान्यकरण कर सकें, ठीक है, कुछ करेक्ट कर सकें, कुछ जानकारी को वेरीफाई कर सकें। तो रिसर्च यही चीज है, आप समझ रहे हैं। आई जस्ट होप कि आपको ये परिभाषा समझ में आई होगी। आगे कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू रेडमैन एंड मोरे इन द ईयर 1923, रिसर्च इज अ सिस्टमेटाइज्ड एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। ठीक है, इन द ईयर 1923 में रेडमैन एंड मोरे ने एक डेफिनेशन दी रिसर्च की, और उन्होंने कहा कि इट इज अ सिस्टमेटाइज्ड, ठीक है, सिस्टमेटाइज्ड मतलब सिस्टमैटिक, व्यवस्थित तरीके से, व्यवस्थित सिस्टमेटाइज्ड एफर्ट टू गेन अ न्यू नॉलेज। कोई भी नई नॉलेज को गेन करने के लिए एक व्यवस्थित तरीका इज रिसर्च, ठीक है, कोई भी नई जानकारी को जानने के लिए। हमने भी रिसर्च, मैंने भी रिसर्च किया है, और मैं ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि जब हम रिसर्च करते हैं तभी हमको कोई नई जानकारी मिलती है, और रिसर्च करने के लिए हमें बहुत एफर्ट करना पड़ता है, बहुत साल लगते हैं, बहुत मेहनत लगता है, इतना आसान नहीं है रिसर्च करना। तो रेडमैन एंड मोरे ने 1923 में ये बात कही थी कि नई जानकारी को हासिल करने के लिए एक व्यवस्थित तरीके से हम एफर्ट करते हैं, उसे हम रिसर्च कहते हैं, ठीक है। और अगला पॉइंट कहा जा रहा है कि इट इज एन एकेडमिक एक्टिविटी एंड देयरफॉर द टर्म शुड बी यूज्ड इन टेक्निकल सेंस। तो जो रिसर्च है वो एक एकेडमिक एक्टिविटी है, और इसे हम टेक्निकल सेंस में प्रयोग करें, इस्तेमाल करें इस रिसर्च को, इस शब्द को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली जो डेफिनेशन है वो क्लिफोर्ड वुडी की है, और ये डेफिनेशन कोठारी सर की बुक 1988 में पब्लिश्ड है, ठीक है। और एक चीज पे ध्यान दीजिएगा कि ये अकॉर्डिंग टू क्लिफोर्ड वुडी, ये जो अकॉर्डिंग टू शब्द लिखा है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। आप जब भी किसी की डेफिनेशन बताएंगे तो आपको अकॉर्डिंग टू और उसका नाम बताना जरूरी है, और डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा करके उसकी पूरी डेफिनेशन बतानी जरूरी है। चाहे आप ग्रेजुएशन में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, या आप रिसर्च कर रहे हो, आपके लिए ये करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, एकेडमिक्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्लिफोर्ड वुडी, रिसर्च कंप्राइसेस, क्लिफोर्ड वुडी के हिसाब से जो रिसर्च है उसमें क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स। रिसर्च में क्या करते हैं हम कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है ना, तो उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए तो जा रहे हैं हम, रिसर्च क्यों करते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो रिसर्च करने जब भी आप जाते हो, जब मैं रिसर्च करने के लिए गया था, तो सबसे पहला काम किया गया था फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। आपकी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है जिसके लिए आप डेटा कलेक्ट करके, एनालाइज करके आप कुछ सोल्यूशन ढूंढेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स। उसके बाद क्या करना है, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। फिर आपको हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना है और सजेस्टेड सोल्यूशंस या सजेस्टेड सॉल्यूशंस भी बताने हैं उसके। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस जरूरी नहीं है हर रिसर्च में हाइपोथेसिस हो, ठीक है। बहुत सारे रिसर्चेस ऐसे भी होते हैं जिसमें हाइपोथेसिस नहीं होता, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स होना बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना बहुत जरूरी है। हाइपोथेसिस है नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स रहेगा रहेगा आपके रिसर्च में, ठीक है। तो यहाँ कहा गया है डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस और सजेस्टेड सॉल्यूशंस
कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजिंग इवैल्यूएटिंग डेटा, हम क्या करते हैं डेटा का कलेक्शन करते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं और इवैल्यूएट करते हैं डेटा का। तो डेटा एनालिसिस आपने सुना होगा शब्द, अगर आप रिसर्चर हैं तो आप डेटा एनालिसिस जानते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी डेटा लेकर के, मतलब डेटा कलेक्शन होता है, फिर उसको हम प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, चार्ट्स बनाते हैं, ठीक है। इवैल्यूएशन के लिए हम टूल्स यूज करते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज करके हम इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है, डेटा एनालिसिस होता है उसमें। आगे कहा गया है कि मेकिंग डिडक्शंस एंड रीचिंग कंक्लूजंस, इनकी मदद से हम क्या करते हैं कंक्लूजंस तक पहुंचते हैं डिडक्शंस करके। मेकिंग डिडक्शंस का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द नॉलेज और इंफॉर्मेशन यू हैव इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड समथिंग, मतलब आप समझ रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द नॉलेज और इंफॉर्मेशन। मेकिंग डिडक्शन का मतलब होता है कि इट इज अ प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ यूज, जो भी आपके पास जानकारी है या जो भी आपके पास ज्ञान है उसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करके कुछ समझना, ठीक, कुछ समझना और किसी कंक्लूजन तक पहुंचना। आगे कह रहे हैं एंड फाइनली केयरफुली टेस्टिंग द कंक्लूजन्स टू डिटरमाइन वेदर दे फिट द फॉर्मुलेटेड हाइपोथेसिस, और आखिरी में क्या करना कि जो भी हमारे कंक्लूजन है उसको टेस्ट करना, ताकि ये हम जान सकें और समझ सकें कि जो भी हमने हाइपोथेसिस ऊपर फॉर्म की थी ना, ये हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, वो उसमें फिट बैठ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये था क्लिडॉफ वुडी के हिसाब से डेफिनेशन, जिसमें उन्होंने कहा था कि डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस और सजेस्टेड सॉल्यूशंस, कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग डेटा, मेकिंग डिडक्शंस एंड रीचिंग कंक्लूजंस, एंड फाइनली केयरफुली टेस्टिंग द कंक्लूजन्स टू डिटरमाइन वेदर दे फिट इन द फॉर्मुलेटेड हाइपोथेसिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे कहा जा रहा है 10। तो यहाँ कंक्लूड किया गया रिसर्च के बारे में, 10 रिसर्च इज एन ओरिजिनल एडिशन टू द अवेलेबल नॉलेज विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इट्स फर्दर एडवांसमेंट। तो रिसर्च के लिए कहा जा रहा है कि इट इज एन ओरिजिनल एडिशन, ठीक है, ये जो भी हमारे पास अवेलेबल नॉलेज है ना, उसमें हम कुछ ओरिजिनली एडिशन लेकर के आते हैं, कुछ ओरिजिनली हम बताते हैं। जैसे मलेरिया, एक जो आपको मालूम है मलेरिया इज अ काइंड ऑफ अ डिजीज, मलेरिया में क्या होता है कि जो मलेरिया के जो मच्छर होते हैं वो दिन में काटते हैं, रात में नहीं काटते। तो ये भी एक रिसर्च की गई थी, ये भी बताया गया था कि मलेरिया के जो मच्छर होते हैं साफ पानी में पाए जाते हैं, गंदे पानी में नहीं पाए जाते। तो ये भी एक रिसर्च की गई थी। कोरोना वायरस के लिए बहुत सारे रिसर्चेस चल रहे हैं, तो जो भी अवेलेबल नॉलेज है हमारे पास उसके ऊपर रिसर्च नई नई बातें लेकर के आ रहा है। पहले कोरोना वायरस के बारे में क्या कहा जा रहा था कि सिम्टम्स आ रहे थे कि फीवर, हाई फीवर है, फिर जो भी सिम्टम्स बताए जा रहे थे, फिर रिसर्च में बात सामने आई कि लोग पॉजिटिव होते चले जा रहे हैं लेकिन कोई सिम्टम है ही नहीं उनके अंदर, ठीक है। तो ये भी एक रिसर्च है। तो जो अवेलेबल नॉलेज है उसमें हमने क्या किया, कुछ और एड ऑन कर दिया, ठीक है, जिससे फर्दर एडवांसमेंट हो गया, जानकारी आगे बढ़ गई। आगे कहा जा रहा है इट इज एन अटेम्प्ट टू परस्यू ट्रूथ थ्रू द मेथड्स ऑफ स्टडी, ऑब्जर्वेशन, कंपैरिजन एंड एक्सपेरिमेंट। इन्होंने कहा है कि ये एक अटेम्प्ट है टू परस्यू ट्रूथ, ट्रूथ को परस्यू करने के लिए ये एक अटेम्प्ट है, जहां पे हम अलग अलग मेथड को स्टडी करते हैं, अलग अलग तरीके से ऑब्जर्वेशन करते हैं, कंपेरिजन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस ट्रुथ को समझते हैं। मतलब कोई अगर फैक्ट बोला गया है तो आप उसे स्टडी, ऑब्जर्वेशन, कंपैरिजन और एक्सपेरिमेंट करके आप उसे बता सकते हो कि हाँ ये चीज है। मतलब अवेलेबल नॉलेज जो है ना, उसमें आप ये चीजें परस्यू करके बता सकते हैं कि हाँ ये सही है कि गलत है। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जो पहले रिसर्च हो चुका है उसमें आप उस पर आप स्टडी करके, ऑब्जर्व करके, कंपेरिजन करके, एक्सपेरिमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ बिल्कुल ये सही चीज है, ये बिल्कुल जो कही गई है वो ऐसा ही होता है। और अगर आपको कोई नई बात मिलती है तो आप क्या कर सकते हैं, उसे उस एडवांसमेंट कर सकते हैं एडवांस लेवल पे, ठीक है, उसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में इन्होंने कहा इन सम रिसर्च इज द सर्च फॉर नॉलेज यूजिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड सिस्टमैटिक मेथड्स टू फाइंड सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, ठीक है। आखिरी में इन्होंने कंक्लूड किया कि इट इज अ सर्च फॉर नॉलेज यूजिंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स की मदद से, ठीक है। मैंने आपको बोला कि जरूरी नहीं है कि हाइपोथेसिस हो, ऑब्जेक्टिव होना बहुत जरूरी है आपके रिसर्च में। और एक सिस्टमैटिक मेथड्स, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है ना, रिसर्च डिजाइन जो हम करते हैं, एक पूरा का पूरा रिसर्च जो होता है उसमें एक पूरा चैप्टर होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी का, तो उसमें हम पूरा रिसर्च डिजाइन बताते हैं। तो रिसर्च डिजाइन इज अ सिस्टमैटिक मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, ठीक है। आई जस्ट होप कि अनुसंधान का अर्थ क्या है ये आप समझ गए होंगे, मतलब व्हाट इज रिसर्च ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर
कहीं पे कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। आपका लाइक और शेयर और कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। गुड लक। गुड डे। टाटा बाय।